देखो सोचो, कोई वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर है कोई, है ना। अगर मैं इस वेक्टर को खुद के ही साथ क्रॉस कर दूं तो क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? यही पहला वेक्टर, यही दूसरा वेक्टर, तो क्या होता भाई? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू साइन 0 डिग्री है। साइन 0 कितना हो गया? तो समझ में आ रही है? तो ये तुम्हें क्या दे देता है? नल वेक्टर दे देता है। तो डायरेक्शन डिफाइंड ही नहीं है इसका। सही बात है, तुम डायरेक्शन निकाल नहीं पा रहे क्योंकि इसका डिफाइन ही नहीं कर सकते। 0 आ गया। तो जब किसी भी वेक्टर को खुद के साथ क्रॉस करोगे तो क्या आएगा? 0। या फिर अगर मान लो सी वैक्टर और डी वैक्टर पैरेलल है तो अभी सी वैक्टर क्रॉस डी वैक्टर क्या हो जाएगा? 0, है ना, 0 वैक्टर। जैसे दो परपेंडिकुलर वैक्टर्स का डॉट 0 होता था, यहाँ पर दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस 0 होता है। ये ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता था, पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। लिखो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज ऑलवेज 0। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो बता सकते हो क्या आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा? अरे ये भी तो पैरेलल वेक्टर्स ही हैं। 0। जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप, ये ध्यान रखना। याद करो, आई कैप डॉट आई कैप क्या होता था? ये भूलना मत, है ना। डॉट में सेम के साथ करने पे 1 आता है, क्रॉस में सेम के साथ करने पे 0 आता है। कंफ्यूज मत हो जाना ना। आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, पर आई कैप क्रॉस आई कैप 0 हो जाता है। ये सब है, समझ में आ रहा है? बस क्रॉस समझ में आ गया तो फिर वेक्टर हो गए तुम्हारे, है ना। और कंपोनेंट निकालना तो सिखाई दिया था, उम्मीद करता हूँ अब आया होगा समझ में, उसको रिवाइज करा होगा। और जब आप बताए फोर्सेज वगैरह पढ़ोगे जाके, तो रिवाइज करना वो जाके कंपोनेंट्स में, जैसे निकालते रहना। जब रिवाइज करोगे, जब भी डाउट आएगा रिवाइज करो उसको जाके, तो क्लियर हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन करके बताओ। देखो, पी वेक्टर इज इक्वल टू 2i cap - 3j cap एंड क्यू वेक्टर इक्वल टू 3i cap + k cap। फाइंड पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर क्या होगा? पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर क्या होगा? याद रखना, डॉट नहीं करना है इस बार, क्रॉस करना है। और मैंने सारे सिखा दिए, आई कैप क्रॉस आई कैप जैसे 0 होता है, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है, के कैप, सब आ गया है तुम्हें। मल्टीप्लाई करो, ठीक तो करते हैं सर। क्या भाई, 2i cap - 3j cap × 3i cap + k cap, ठीक है। तो कैसा होता है भाई मल्टीप्लीकेशन? इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, और ऐसे करते हैं। तो 2i cap को करते हैं, 2 × 3 तो कितना हो गया? 6। और i cap × i cap कितना हुआ? 0। ये भी हमने पढ़ा है, चलो पहले बार लिख देते हैं i cap × i cap। फिर भाई 2 × ये दे, तो 2 × 1 = 2 और i cap × k cap आ गया, ठीक। अब इसको करेंगे -3 × 3 - 9 j cap × i cap। फिर -3 × 1 - 3 जे कैप क्रॉस। देखो ये समझ में आया क्या सबसे पहले? अरे ठीक है, तो हमने अभी देखा कि भाई पैरेलल वेक्टर्स का तो 0 हो जाता है, तो कौन कौन से पैरेलल है? यही पैरेलल है, तो ये तो 0 हो गया। और ये किसके साथ करने पे क्या आता है, वो हमने अभी पढ़ा हुआ है, ये बनाया था ना, आई जे के, तो आई से जे से के, के से आई, करके देख लेते हैं ना। i cross k क्या आ रहा है? j - j, क्योंकि एरो से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो तुम्हारा आ जाएगा 2 × - j cap। j cross i करते हैं, चलो j cross i क्या आया?
माइनस के क्या है, तो माइनस नाइन माइनस के क्या, माइनस थ्री जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आई क्या पॉजिटिव में आएगा, एरो के डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव, अपोजिट जा रहे हो तो नेगेटिव, तो माइनस थ्री आई क्या, तो तुम्हारा क्या आ गया देखो, टोटल आंसर कितना आ रहा है, माइनस थ्री आई क्या माइनस टू जे क्या प्लस नाइन के क्या, ये तुम्हारा आ गया पी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। कितने लोगों का सही आया, ठीक है भाई, अब जिन्होंने जो भी गलती करी है वो पहचानो और उसे सही करो कि क्या गलती हो गई थी और आगे से नहीं होनी चाहिए वो गलती, सीख लो है ना उसको। चलो ठीक है, ठीक है देखो ना, मान लेते हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर है हमारा एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। अच्छा पहले डिटरमिनेंट सिखा देता हूँ तुम्हें, थोड़ा सा बस ब्रीफ में डिटरमिनेंट्स देख लेते हैं क्या होते हैं ना, पढ़ लेते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो डिटरमिनेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे ये है ना, यहाँ पे ए है बी है सी है डी है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ए को डी से मल्टीप्लाई करो बी को सी से करो, तो याद आएगा ए डी माइनस, माइनस लगाना मत भूलना, ये तो आता है। चलो एग्जाम्पल करके बता देगा, टू माइनस वन थ्री फोर, बताओ क्या आएगा, टू इंटू फोर एट माइनस माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री कितना आया, इलेवन, ये आया समझ में क्या, इसमें डाउट है किसी को, आसान है ना, जीरो वन टू थ्री क्या आ जाएगा, जीरो इंटू थ्री जीरो माइनस टू माइनस, ये बने इस फॉर्मूले को लगा रहे हैं। तो टू बाई टू का डिटरमिनेंट सॉल्व करना आ गया, दो रो और दो कॉलम है तो कर लोगे है ना, अब थ्री बाई थ्री का किस तरह से करेंगे है ना, मान लो ऐसे आ गया कुछ भी, टू थ्री एट वन माइनस वन जीरो माइनस टू जीरो थ्री, मान लेते हैं है ना, अभी थ्री बाई थ्री का किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं ना, तो ध्यान से सीखना है वाली चीज़, इसमें एक एक करके सॉल्व करते हैं एलिमेंट्स को। सबसे पहले जैसे ये है, हम टू को सॉल्व करेंगे ना, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, अब देखो कैसे करते हैं, टू को सॉल्व करना है तो टू के रास्ते में जो है उन सबको हटा दो, ये हटा दिए मैंने, आया समझ में, अब जो बचा है वो क्या है, टू बाई टू का बचा है, तो इसको तो सॉल्व करना तुम्हें आता है अभी सीखा, तो ठीक है तुम किसको सॉल्व कर रहे हो अभी, टू को सॉल्व कर रहे हो ना, तो सबसे पहले टू लिख दो यहाँ पे, टू लिख दिया, अब इसको सॉल्व करो, माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री माइनस, ये टू बाई टू तो सॉल्व कर लोगे ना, तो कितना आया ये तुम्हारा माइनस थ्री, ठीक है अब इसको सॉल्व कर लिया, एक एलिमेंट सॉल्व हो गया, अब दूसरे को सॉल्व करते हैं, थ्री को सॉल्व करेंगे, तो थ्री को सॉल्व करेंगे तो थ्री के रास्ते में जो है वो कट जाएंगे, ये भी गए और ये भी गए, अब अगेन देखो क्या बचा, टू बाई टू का बचा डिटरमिनेंट, तो क्या लिख देंगे अपन, किसको सॉल्व कर रहे हैं, थ्री को सॉल्व कर रहे हैं, टू बाई टू का सॉल्व कर देता अभी ना, वन इंटू थ्री थ्री माइनस जीरो थ्री आ गया, बताओ यहां तक कोई डाउट है क्या, टू बाई टू सॉल्व करना आ गया तो थ्री बाई थ्री भी आ गया, थ्री बाई थ्री में बस क्या है कि ऊपर वालों को एक एक करके सॉल्व कर देते हैं, अब टू भी सॉल्व हो गया थ्री भी सॉल्व हो गया, अब एट बचा, एट को और सॉल्व करना है उनको, अब ये बनाना नहीं होती इसीलिए दिमाग में ही सोच लेते हैं ना, एट के रास्ते में कौन कौन है, ये और ये, इनको हटा दिया, अब फिर से क्या बचा, टू बाई टू का मैट्रिक्स बचा, तो लिख दो भाई एट लिख देते हैं, चलो एट को लिखा तो इसको सॉल्व करेंगे, वन इंटू जीरो माइनस माइनस वन इंटू माइनस टू टू, और एक माइनस ऑलरेडी था माइनस टू, लिख के कर लेना अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना, आराम से लिख के करना इस फॉर्मूले से, ठीक है, तो अब तीनों एलिमेंट सॉल्व करेंगे, बस ऊपर वाले सॉल्व कर लिया, अब इसके अलावा और कुछ नहीं करना है ना, सिर्फ ऊपर वाले सॉल्व करे जाते हैं, इन तीनों को सॉल्व कर लिया, अब कुछ क्या करना है बस तुम्हें अल्टरनेटली प्लस माइनस लगाते जाओ, प्लस से स्टार्टिंग करोगे, यहाँ पे प्लस लगाओ यहाँ पे माइनस लगाओ,
यहाँ पे प्लस लगाओ, अब आगे तो कुछ है ही नहीं। अगर 4x4 या 5x5 करते तो आगे भी आते जाते, तो उसमें फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलते रहते हैं। आया समझ में? 3x3 में तो सिंपल है, बीच वाले में बस माइनस आएगा, प्लस प्लस बीच वाले में माइनस। तो अब सॉल्व कर लो, क्या आया ये बताओ। 2 × -3 -6 -9 -16 हो गया तुम्हारा -31 हो गया। आया समझ में? अब अगर मान लो तुम्हारे पास कोई p वेक्टर है ना, से वो है x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप, और कोई q वेक्टर है वो है x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप। ये दो वेक्टर हैं, और तुमको क्या करना है, p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर निकालना है। तो इसमें कुछ नया नहीं है, वही करोगे। इस वाले को पहले इससे करोगे, फिर इससे करोगे, फिर इससे करोगे, तीन आ गए एलिमेंट है ना। फिर इसको इससे करोगे, इससे करोगे, इसको इससे करोगे, तीन और आ गए। फिर इसको इससे करोगे, इन दोनों को, तो टोटल 9 आएंगे। उनको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा ना। तब इसको हम क्या है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में लिखने का तरीका होता है। वो सेम रिजल्ट को हम अच्छे डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो वो ये बनेगा तुम्हारा अल्टीमेटली। सबसे पहले ऊपर लिख दो आई कैप, जे कैप, के कैप, क्योंकि इस तरह से करना बहुत टीडियस सा टास्क है ना, तो इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में हमने लिखना सीख लिया है। क्या लिखा, आई कैप, जे कैप, के कैप। अब बताओ पी वेक्टर का आई कैप वाला कंपोनेंट क्या है, x1। जे कैप का कोएफिशिएंट क्या है, z1। क्यू वेक्टर का x2, y2, खत्म। ये हो गया तुम्हारा सवाल, ये आंसर है। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वही तुम अगर नॉर्मल तरीके से जाते तब भी वही आता। तो सेम चीज़ें हो गई ना, कर ही देते। चलो इसको सॉल्व, बताओ। सबसे पहले आई कैप को सॉल्व करेंगे ना, तुम लोग बोलो। तो इसको और इसको हटा दें, इसका क्या आएगा, y1 - z1 y2, ये आएगा, ठीक है। जे कैप को करते हैं, क्या आएगा भाई बताओ। ये चले गए x1 - z1 x2, जे कैप भी सॉल्व हो गया। के कैप को करते हैं, ये चले गए और ये चले गए, ये बचा है x1 y2 - y1 x2, ये हो गया। अब क्या करें भाई, प्लस माइनस, बस ये तुम्हारा आंसर आ गया। अब उसके, अब बताओ इन दोनों में से कौन सा याद रखना ज़्यादा आसान है। ऊपर वाला भाई, ऊपर वाला सीधा लिख दिया ना, आई कैप जे टू लगा दिया, इसको याद करना मुश्किल हो जाता। तो ये फायदा है डिटरमिनेंट का, उसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं। हो गया ये, ठीक है। एक इस पर क्वेश्चन सॉल्व कर दो तो मैं समझ जाऊंगा तुमको आ गया। मान लो पी वेक्टर है 3i कैप प्लस के कैप, और क्यू वेक्टर है 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। बताओ पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर क्या होगा, बोलो जल्दी से। एलिमेंट्स क्या क्या रखें, हाँ यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पर वन रखेंगे, 0। आई कैप का है, यहाँ पे जे कैप का रखना, जे कैप का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे भाई, तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा। 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस के कैप है वो 0। के कैप का क्या है, 1। क्यू में बताओ, आई कैप का, जे कैप का, के कैप का, तो क्या आ गया बताओ, कर देते जल्दी से। आई कैप बताओ 1, जे कैप को करते हैं -3 - 2 - 5, के कैप को करते हैं -3 + -+, चेक कर लो क्या आ गया, आई कैप प्लस 5 जे कैप -3 के कैप। तो आधा मिनट भी नहीं लगेगा, 30 सेकंड्स भी नहीं लगेंगे, बस एक बार डिटरमिनेंट की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। पर नेक्स्ट क्लास में कल करते हुए ना, काइनेमेटिक्स स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास।